ડજન પોલીસ મથકની હદમાં ઠગાઈ આછડી ભાગી છૂટેલા રીઢા ઠગને ક્રાઇમબ્રાન્ચની ટીમે ઝડપી પાડી ડજન પોલીસને સોંપવાની તજવીજ હાથ ધરી હતી. ડજન પોલીસ પાસેથી મળતી માહિતી મુજબ ડજન પોલીસ મથકની હદમાં વર્ષ 2015માં જમીનના પાવરદાર તરીકે ઓળખ આપી લાખો પડાવી લેનાર અને ત્યારબાદ ભાગી છૂટેલા ઠગ એવા ઉમેશ મહેતાને ક્રાઇમબ્રાન્ચની ટીમે સિટીલાઇટ રોડ પરથી ઝડપી પાડ્યો હતો. એક કેસ દર્જ હુઆ થા અડાજન પોલીસ સ્ટેશન સુરત શહેર કે અંદર, જિસકે અંદર એક ઉમેશ જશવંતલાલ મહેતા નામ કે વ્યક્તિને 20 લાખ રૂપિયા કા ચીટિંગ किया था. यह चिट्ठी उसने एक जमीन के सौदे के अंदर 20 लाख रुपया लेने के बाद जमीन को जिसको सौंपनी थी उनको नहीं दिया था. और यह जो आरोपी उमेश जसवंत लाल शाह है उसके खिलाफ आगे भी 6 केसेस रजिस्टर हुए थे सूरत शहर के अंदर अलग अलग थाने के अंदर, जिसके अंदर इसी मॉडस ऑपरेंडी के द्वारा उन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ चीटिंग किया था, जमीन की दिखाना और उनके पास पैसे लेना फिर जमीन का सौदा नहीं करने का. तो इसी केस के अंदर ये जोडाजन में एक गुना 2015 में दाखिल हुआ था, उसके अंदर ये वॉन्टेड था. क्राइम ब्रांच को मिली सूचना के आधार पर आज उसको पकड़ा गया है और उसको अडाजन पुलिस स्टेशन में सौंपने की तजवीज चालू है. यह जो आरोपी है उमेश जसवंतलाल शाह, उसके सामने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के जिसके अंदर चेक रिटर्न के जो केस होते हैं उसके अंदर भी 2 केस के अंदर, एक केस के अंदर नामदार कोर्ट ने 1,25,00,000 रुपया का दंड किया है उसको और दूसरे एक केस के अंदर 12,00,000 रुपया का भी फाइन किया है. इस तरह से ये जो उमेश जसवंतलाल मेहता है वो उसका ये पेशा बन गया है कि वो बार लोगों से चीटिंग करता रहे और बार बार उसको सजा भी होने के बाद भी उसकी यही का जो गुने का मॉडस ऑपरेंडी है वो चालू था. और ये क्राइम ब्रांच को मिली की सूचना के आधार पर उसको पकड़ा गया है और हम लोग अडाजन पुलिस को उसको सौंपेंगे. हाल तो क्राइम ब्रांच की टीम 5 वर्ष थी लाखों की ठगाई आचरी भागी छूटेला रीढ़ा ने झड़पी, तेनो कब्जो अडाजन पुलिस ने सौंपवानी तजवीज हाथ धरी थी. ब्यूरो रिपोर्ट सूरत.